सही सूचना को आप तक पहुंचाने में हमारे सहयोगी हैं मुस्कान हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर। सबसे पहले मैं गिरिडीह लोकसभा के अपने सभी मतदाताओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि इन लोगों ने फिर से इस गिरिडीह लोकसभा में अपनी पार्टी के प्रत्याशी आदरणीय चंद्रप्रकाश चौधरी जी को नेतृत्व करने का अवसर दिया है और पूरे देश भर में एक विजयी आंकड़ा एनडीए के पक्ष में आया है और ये कोशिश होगी कि जो कमिटमेंट है, जो हमारा संकल्प है, उस संकल्प को आदरणीय जो हमारे एनडीए के नेता मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग पूरा करने का कोशिश नहीं। ठीक है, एनडीए और भारतीय जनता पार्टी कोई अलग नहीं है। हम लोग सामूहिक रूप से पहले भी जब 2004 में आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने प्रथम बार एनडीए और कई दलों को मिलाकर समांतर रूप से चलने की पूरे देश को सिखाया, पहली बार इतने छोटे से बड़े सभी पार्टियों को एक साथ एक मंच मिलाकर देश को एक स्थिर गवर्नमेंट देने का प्रयास किया। आज फिर से वही समय आ गया है कि देश के अंदर में कई रीजनल विचारधाराओं को एक साथ लेकर आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में ये देश आगे बढ़ेगा। जिन लोग जो लोग अभी जुड़े हैं लगभग ये एनडीए के पुराने साथी रहे हुए हैं जो अटल जी के साथ काम किए हुए। मैंने सबसे पहले इस जीत के लिए सबसे पहले गिरिडीह की जनता को बधाई देता हूँ और सारा तरह गिरिडीह की जनता को कि दोबारा उन्होंने मुझे मौका दिया और मैं पूरा प्रयास करूँगा जो भरोसा गिरिडीह की जनता ने मुझे दिए तो उनके कार्यों पर और जो भी काम है हम पूरा भरोसा दिलाते हैं कि खरा उतरने का हम पूरा प्रयास करें। एक चीज़ बताइए, देश में जिस तरह से मैंडेट आया है एनडीए तो बहुमत में आ गई लेकिन बीजेपी पिछड़ गई है। नहीं, एनडीए बहुमत में है और हम लोग इसका समीक्षा करें, हम लोग जीते हैं तो पिछले बार की तुलना में सीटें कम आई है, हम लोग इसकी समीक्षा करें। एक चीज़ बताइए, जब चुनाव लड़ रहे थे उसमें बहुत सारे बातें हुई, आपका विरोध भी हुआ, लेकिन क्या लगा कि जनता ने आपको इतना प्यार बरसा दिया? देखिए, मैं जनता का विश्वास जीतने में सफल रहा और कुछ विरोधी लोग भी रहते हैं तो उससे कोई परवाह नहीं करता। मैं अपना काम, अपना उपलब्धि, देश का और केंद्र सरकार का उपलब्धि लेकर मैं जनता के बीच में गया और जनता को विश्वास भी हुआ कि हाँ बात सही है और भारत सरकार की जो भी योजना उसको हमने धरातल पर उतारने का पूरा प्रयास किया और आगे भी करेंगे। मैंने गिरिडीह की जनता का ऐसा कौन सा एक काम जो है जो आप सबसे पहले करना चाहेंगे? विकास का काम सतत प्रक्रिया है और दोबारा मौका मिला है तो निश्चित तौर पर जो सुझाव चुनाव के दरमियान में भ्रमण के जो भी सुझाव जनता का मुझे जो मिला है उसको हम पूरा करेंगे। बने रहें thetimesmedia.com पर, आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।